दो तीन छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि आपने बहुत सारे और भी बातें करी, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, ऑफ कोर्स एक्टर हैं, तो हीरो हीरोइन को तो हम सबसे ज्यादा जानते हैं, पर ये बाकी चीजों के बारे में, साउंड, सिनेमेटोग्राफी वगैरह, इनके बारे में नहीं जानते हैं। प्लस आपने जो एक और बात करी कि जैसे एक्टर है तो आप केवल ये नहीं देख रहे हैं कि वो बड़ा चेहरा है, आप सूटेबिलिटी देख रहे हैं, आप केमिस्ट्री देख रहे हैं कि ये आएगा या आएगी और सेट में ठीक से सब काम होगा। तो अगर आप ये जो बाकी भूमिकाएं हैं इनके बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताएं, और खासकर ऐसे जोड़ते हुए बच्चों के लिए कि क्या चीज, क्या किस्म की क्वालिफिकेशन, किस किस्म का अनुभव है जो फिर इन एरियाज में ले जाता है, साउंड हो चाहे कैमरा हो चाहे डायरेक्शन हो, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं है काम, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के काम है। अगर एक्टिंग की भी आप बात करें तो उसमें भी एक जूनियर आर्टिस्ट होता है, सीनियर आर्टिस्ट होता है। अब जूनियर आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट, इसको लेकर भी लोगों में भ्रम है। लोगों को क्या लगता है कि जिसके कम लाइनें हैं वो जूनियर आर्टिस्ट होगा, जो मेन लीड है वो सीनियर आर्टिस्ट होगा। जूनियर आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट का ये मतलब नहीं है कि कम लाइन या ज्यादा लाइन। जिसका लाइन है, जो सीनियर आर्टिस्ट है वो एक्टर ही है, और जो जूनियर आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट का काम सिर्फ पासिंग शॉट देना होता है ना वो। और जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो पर डे यानी कि जॉब के तरीके से आते हैं, उनका फिक्स होता है कि 6 घंटे के लिए सेट पे आएंगे या 8 घंटे के लिए सेट पे आएंगे और मुझे जो भी एक अमाउंट उनका तय होता है और वो अमाउंट मुझे मिलेगा, बात खत्म। बट जब एक्टर की बात आती है तो फिर आपको रिहर्सल भी करनी होती है, एक्टर की बात आती है तो उसकी प्रिपरेशन में भी आपको जाना होता है, एक्टर की बात आती है तो आपको स्क्रिप्ट भी पढ़नी होती है, तो सबको सीखना सुनना समझना होता है। तो सीनियर आर्टिस्ट अगर आपको बनना है, और अगर आपको वहां पे भले ही एक लाइन है स्क्रिप्ट, तो आप तब भी आपको पढ़नी होगी। अगर आप पढ़ पाओगे, ज्यादा समझ पाओगे, तो आप वहां पर ये सिर्फ ये नहीं देखोगे कि मेरी एक ये लाइन है, क्योंकि आपको पूरी सिचुएशन पता होगी कि मेरी ये लाइन क्यों है, इस लाइन का इस फिल्म में क्या कनेक्शन है। आज मैंने ये जो मैं आज मेरी तो एक लाइन है, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे प्रोजेक्ट पे क्या पड़ने वाला है, आपने अगर पढ़ा होगा तो ही आप कर पाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात मैं ये जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी है कि इस फील्ड में आना है मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये बहुत मतलब बहुत बड़ा झूठ है कि जो बहुत चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमें मेल आता है क्योंकि सर मैं कुछ और नहीं कर सकता तो मुझे एक्टर बना दो जी, है ना। तो इस गलत फहमी में अगर आएंगे तो फिर दिक्कतें होंगी, है ना। तो और अगर आप थोड़ी सी तैयारी के साथ आते हैं, माना कि अगर आपको एक्टर भी बनना है लेकिन अगर आप राइटिंग में कुछ पढ़ के आए हैं, या कैमरा में, या साउंड में, या एडिटिंग में, ऐसे तमाम जगहों पर आप थोड़ी सी जानकारी हासिल करके आए हैं, तो आपके लिए बहुत आसान क्या हो जाता है, जब आप मुंबई आते हैं तो इनिशियली आपकी दो रोटी का जुगाड़ हो जाता है जब आप आते हैं, तो कुछ ना कुछ करके तो आप अपने आप को थोड़ा सा यहाँ जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि जब आप आ रहे हैं तो तुरंत तो कोई चीजें नहीं होंगी, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ रहना होगा। वो कहते हैं ना कि दौड़ में जीतने के लिए आपको सबसे पहले दौड़ना होगा, ट्रैक से रह के तो आप नहीं जीत पाएंगे ना, तो ट्रैक में तो रहे, तो ट्रैक में रहने के लिए अगेन या तो आपके पास इतना पैसा है कि कोई दिक्कत नहीं है, 2, 5, 10 साल जो आप अक्सर सुनते हैं, तो आप उतना या तो जिंदा रह सकते हैं। अगर वो बैकग्राउंड नहीं है तो फिर उसमें घबराने की बात नहीं है, थोड़ी तैयारी के साथ आओ ताकि आप अपना खर्चा कम से कम तब तक उठा सको, और जिस दिन आपको आप जो आप करने आए हैं वो मौका मिले तो फिर आप अच्छा काम कर पाओ। जी,